हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदिक मेडिसिन टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतंजलि गोदंति भस्म के बारे में। दोस्तों, पतंजलि गोदंति भस्म में शरीर में ठंडक देने, पित्त कम करने, एंटासिड और एस्ट्रिंजेंट गुण है। यह किसी भी प्रकार के बुखार में दी जाती है। गोदंति भस्म यह प्रकृति में ठंडी है, पित्त असंतुलन विकार के उपचार में लाभप्रद है। इसके सेवन से शरीर में गर्मी कम होती है, इससे पित्त रोगों में आराम मिलता है। गोदंति भस्म कैल्शियम और अन्य खनिजों में समृद्ध प्राकृतिक और पौधे के अर्क का एक शक्तिशाली संयोजन है। नींबू में विटामिन सी होता है जो ठंड, खांसी, बुखार और प्रतिरक्षा बढ़ाता है। गोदंति एक प्राचीन आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है और इसके पास कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसे लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं का इलाज करने में सहायक है। सिर दर्द, खांसी और बुखार में बहुत ही लाभप्रद है। दोस्तों, पतंजलि गोदंति भस्म की सेवन विधि है 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम दिन में दो बार सुबह और शाम को ले। इसे आप शहद, घी, तुलसी स्वरस मिश्री के साथ ले। इसे भोजन करने के बाद ले। चाहे तो आप अपने चिकित्सक की परामर्श से भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।